So in continuation with the previous video, we have left here because of the battery issues. So we are talking about the two isotherms and the transport process and temperature gradient. So मैं आपको बता रहा था कि किस तरह से यहाँ पर जो हमारी लिक्विड और सॉलिड स्टेट के अंदर ट्रांजिशन होता है और जहाँ पर हमारी इम्प्योरिटीज चली जाती हैं, बाउंड्रीज को डिस्कस कर रहे थे. तो ये हमारा कुछ कर्व है जो ये बताता है कि किस तरह से इस पर्टिकुलर डिस्टेंस और टेम्परेचर का रिलेशन किस तरह से रहता है, जहाँ पर उस इंटरफेस पर इम्प्योरिटीज़ आपकी आउट हो जाती हैं. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से ये एटम्स हमारे केवल यहाँ जा रहे हैं और ये जो इम्प्योरिटीज़ वाले हैं वो कम ही जा पा रहे हैं, वो पहले रह जा रहे हैं लिक्विड फॉर्म के अंदर ही, वो सॉलिडिफाई नहीं हो रहे हैं. ठीक उसी ग्राफ को यहाँ पर दूसरे तरीके से बताया है. तो इसके अंदर जहाँ से ए पोजीशन से बी पोजीशन तक मेरा जो क्रिस्टल ग्रो किया है और उसका टेम्परेचर वर्सेस द डिस्टेंस बिटवीन द टू आइसोथर्म्स, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द बाउंड्री ऑफ द लिक्विड एंड द सॉलिड. तो वो रखने के लिए, ये सारी चीज़ों को मेंटेन रखने के लिए एक पर्टिकुलर पुल रेट को हमें रखना होता है. फॉर एग्जाम्पल जो वी मैक्स है, वो वी मैक्स हम इस रिलेशन से निकालते हैं. ये मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पुल रेट हमें बताता है वी मैक्स, जहाँ पर जो हमारा स्मॉल डी है, डी इज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड सिलिकॉन. आई एम राइटिंग इट, डी इज द कि कॉन्स्टेंट्स हमने पिछली इक्वेशन में देखे थे. पर ये मैक्सिमम वेलोसिटी है जब हमारी इम्प्योरिटीज़ वहाँ से हट जाएंगी, अगर हम इस वेलोसिटी से उसको पुल करेंगे. मगर हमें जनरली 30-50% इससे भी स्लोअर रखना होता है जो हमारा प्रैक्टिकल प्रोसेस होता है. ये थियोरिटिकली हो गया, प्रैक्टिकली हम इसको लगभग इससे भी 50% कम उसकी स्पीड रखते हैं. तो पुल रेट डिटर्मिनेशन सिलिकॉन के लिए ये हमने कर्व उसको दिखाया है किस तरीके से हमारा सिलिकॉन पुल होता है. उसके बाद जो उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए जो हमारी एक फ्रीजिंग रिलेशन इसको कहते हैं, इस फ्रीजिंग रिलेशन के थ्रू हम उस कंसंट्रेशन को निकाल जाते हैं जितनी हमारी इम्प्योरिटी रह गई है और कितना हमारा प्योर सिलिकॉन पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन बना है, जिसके अंदर CS जो हमारी है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, CS इज द सॉलिड कंसंट्रेशन C0 इज द इनिशियल मेल्ट कंसंट्रेशन इसके ऊपर कभी कभी एक न्यूमेरिकल आ जाता है सो दैट हम उसको ध्यान में रखने के लिए इस फॉर्मूले को याद रखते हैं. के नॉट इज द सीग्रेगेशन कॉफिशियंट CS एंड CL आर द इक्विलिब्रियम कंडीशन. तो मैंने यहां पर भी लिखा था सॉलिड, तो ये एक इक्विलिब्रियम पे इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ सॉलिड्स और ये CL फॉर द लिक्विड. इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर द सॉलिड एंड लिक्विड नियर द इंटरफेस. सो इट इज नियर द इंटरफेस. नियर द इंटरफेस यू हैव टू बी कीप इन माइंड दिस थिंग. And the last part, X is the fraction of melt solidified, is the fraction of melt solidified. तो इस equation के through हम solid concentration जो silicon की form हुई है उसको calculate कर
कर लेते हैं। और जो हमारी सी नॉट है यहाँ पर, सी नॉट इज़ द इनिशियल मेल्ट कंसेंट्रेशन, वो मैं एक बार लिख चुका हूँ, सॉरी टू रिपीट इट अगेन। एंड लेट्स डिस्कस द मेन सी जेड ग्रोइंग टेक्निक जो प्रैक्टिस में हम यूज़ करते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन सी यू।